नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दो नाबालिग बहनों को दूसरे वर्ग के युवकों ने गेस्ट हाउस में बनाया बंधक। दो नाबालिग बहनों को दूसरे वर्ग के दो युवकों ने एक गेस्ट हाउस में बंधक बना लिया। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकली और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मां के साथ कोतवाली पहुंची और पुलिस और को मामले की जानकारी दी। चर्चा है कि पुलिस दोनों आरोपियों को कोतवाली ले गई है और बाद में मामले को दबा दिया। प्रकरण जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने तहरीर देकर कार्रवाई की बात कही। बागरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 17 और 14 साल की दो सगी बहनों को मोहल्ले के ही दूसरे वर्ग के दो व्यक्ति ने 4 दिन पहले कोतवाली के ठीक ने संचालित एक गेस्ट हाउस में बुलवाया। पहले से जान पहचान होने से दोनों वहां गई तो युवक ने अपने साथी की मदद से बंधक बना लिया। मौका मिलते ही दोनों किसी तरह वहां से भागी और घर पहुंचकर मां को आप बीती बताई। पीड़ित बहनों की मां के मुताबिक दूसरे वर्ग के दोनों युवक 3 महीने से बेटी पर दबाव बना रहे थे। उनके मोबाइल में बड़ी बेटी की एक फोटो है जिसे वायरल करने की धमकी के दबाव बनाते हैं और धर्म परिवर्तन की भी बात कहते हैं। चर्चा है कि मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा भी था लेकिन बाद में मामला रफा दफा कर दिया। प्रभारी कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।